अस्सलाम वालेकुम मेरी YouTube की फैमिली, मेरी गुड मॉर्निंग हो गई। कैसे हैं आप सब लोग? आज मैं थोड़ा सा लेट उठी क्योंकि कल बहुत टायरिंग डे था। कल मैं बहुत थक गई थी और ये बेड स्टिल अभी तक मैंने इधर ही लगाया हुआ था। बच्चों ने इंसिस्ट किया कि मामा ये अच्छा लग रहा है तो इधर रहने दो, तो मैंने बोला कि चलो बच्चों एक दिन और इन्जॉय कर लो। और बस अब जाऊंगी, अपने लिए नाश्ता वगैरह बनाऊंगी। आज का व्लॉग शुरू करते हैं हम यहीं से। और जो जो भी आज की डेली रूटीन होगी, जो जो भी मैं बनाऊंगी खाऊंगी, आप लोगों के साथ शेयर करती रहूंगी और मेरे व्लॉग्स को सपोर्ट करते रहिएगा। चलें जी, अब करते हैं तैयारी नाश्ते की। रुको जरा, सबर करो। फुल धूप निकल आई हुई है कड़क किस्म की। चलें अब हम क्या करें, आज नाश्ते में क्या बना रहे हैं, क्या बना रहे हैं हम नाश्ते में। चलें सोचती हूँ, पहले मैं सोच लूँ कि मैंने क्या बनाना है, फिर मैं आप लोगों को भी बता देती हूँ। डेली ये सोचना ही बड़ा मुश्किल काम है। मुझे लगता है पकाने से ज़्यादा चीज़ को पकाने से ज़्यादा उसको सोचना बहुत मुश्किल लगता है कि आज पकाना क्या है। तो चलें थोड़ा दिमाग में अपनी जगह भी लेकर आते हैं और करते हैं स्टार्ट अपना डे। ये कल एक्सीडेंट हो गया था इस बेचारे की, बड़ी बुरी हालत है। ये मैं कोशिश करूंगी इसको जोड़ दूं मैं। अपनी ज़िंदगी के 5 कीमती मिनट मैंने लगाए हैं सोचने में कि मैंने नाश्ता क्या करना है। और मैं इस पॉइंट पे पहुंची हूँ, इस डिसीजन पे पहुंची हूँ कि मैं वही नाश्ता करूँगी जो पिछले 2-3 दिन से मैं करती आ रही हूँ। और जैसे ही हम फ्रिज में आए, हमने खोला और देखा तो ये यहाँ पे तो प्याज ही ख़त्म हो गया। मैं इसको करूँगी रिफिल, फिर बनाएंगे हम अपना नाश्ता। चलें जब ये इसको खोल के करेंगे हम इसको रिफिल, लेकिन उससे पहले हम इसको ज़रा थोड़ा सा कर लेते हैं क्लीन। खीजिए, जैसे कि 5 मिनट मैंने कीमती अपने 5 मिनट मैंने ये सोचने में लगाए कि मैंने बनाना क्या है, मैंने नाश्ता क्या करना है। उसमें से 2 मिनट मैंने प्याज निकालने में लगा दिए हुए हैं। अब इसमें से लेते हैं एक छुटकू प्याज और बनाना शुरू करते हैं अपना नाश्ता। बहुत मुश्किल है ज़िंदगी बबुआ, बहुत मुश्किल, बहुत मुश्किल है बबुआ, बहुत मुश्किल। थोड़ा टमाटर भी ले लेते हैं। आज हम मैंने सोचा कि चलो आप लोगों को कुछ और आए हैं, थोड़ा अपना और भी टैलेंट शो कर देते हैं। थोड़ा तनक हम हरियाणवी लैंग्वेज में भी आपसे बात कर लेते हैं। जब तक मैंने ये चॉपिंग की, तब तक मैंने अपने जहन पे और जोर डाला और मैंने सोचा कि आज मैं पकाऊंगी क्या खाने में। तो याद आया कल का जो सालन मैंने बनाया था वो हमारे दोपहर के लिए आराम से हो जाएगा, क्योंकि मैंने आप लोगों को बताया था ना कि बच्चे मेरे सालन शौक से नहीं खाते, तो मैं और मेरे हस्बैंड ही बस सालन शौक से खाते हैं। तो बस हम और 2 बंदे कितना को सालन खा लेंगे। इंसान है, कोई भूत तो नहीं कि पूरे पूरी देगें खा जाएं। कैसा लगा मेरा मजाक? तो वो अभी तक पड़ा हुआ है। चलें जी अब हम शुरू करते हैं अपना नाश्ता। ज़रा बॉल निकाल लिया जाए। लो जी, हमारा खूबसूरत बॉल आ चुका है। अब इस पे बनाएंगे हम अंडा। अंडा अंडा, मेरी व्लॉग्स देखकर आपको खुशी तो बहुत होगी और हंसी भी आया करेगी, क्योंकि मेरा करेक्टर जो है वो बहुत ही फन लविंग है। टेंशन है तो सारी ज़िंदगी की ज़िंदगियों में चलती रहती हैं, हर किसी की ज़िंदगी में एवरी सिंगल डे कुछ ना कुछ होता है। ये ज़िंदगी है, फौजियों की तरह जीनी है। यू नेवर नो कि आज का दिन हमारे लिए कौन सा चैप्टर खुलेगा और कौन सा क्लोज होगा। तो लेट इट बी, अल्लाह पे भरोसा करें और अपनी ज़िंदगी को अच्छे से खुशगवार तरीके से जिएं और सब लोगों को खुशियाँ बांटते रहें। मेरी ज़िंदगी का तो एक बहुत ही सिंपल सा असूल है जिसको मैं बहुत फॉलो करती हूँ, जियो और जीने दो। क्योंकि हर इंसान अपनी ज़िंदगी में किसी ना किसी हार्डशिप से ज़रूर गुज़रता है और उसको बयान करने की दूसरी ज़रूरत नहीं होती दूसरे इंसान को। अल्लाह पे तवक्कल होना चाहिए, बेशक अल्लाह से मांगना चाहिए, और जब इंसान का भरोसा स्ट्रांग हो तो अल्लाह ताला बहुत
बहुत बहुत बहुत ज़्यादा नवाजते हैं और इंसान की हर मुश्किल को आसान कर देते हैं। सिलीफ उन अल्लाह, जो होता है अच्छे के लिए होता है। जो मिला आपको वो आपका नसीब था, जो नहीं मिला आपको वो आपका नसीब नहीं था। सो जो आपके पास है उसमें खुश होने की कोशिश ही नहीं करनी चाहिए। बस यही मेरी ज़िंदगी का फंडा है और इसी फंडे के साथ हमारा अंडा भी फेंट चुका है। उसको क्या बोलते हैं ज़रा आप मुझे बताइए, क्या बोलते हैं? फेंटना बोलते हैं, मैंने मुझे पता नहीं। अब सी ब्लोबर्स क्या है, ब्लूपर्स तो मेरे साथ होते ही रहते हैं। मेरी तो पूरी जिंदगानी ही ब्लूपर हो चुकी है बबुआ। काहे फिकर करते हो बल्लू, फिकर ना करे तो न क्या बताएं। वैसे मैं रात को ही पूरा घर क्लीन करके सोती हूँ तो ताकि मैं सुबह उठूँ। ये मेरे बच्चों का रूम है ना, तो जब मैं सुबह उठूँ तो मुझे मेरा घर साफ सुथरा दिखे। क्योंकि मैंने अपनी प्रीवियस वीडियो में अभी आप लोगों को बताया था कि मेरा मूड बहुत ज़्यादा मेरी सफाई के ऊपर डिपेंड करता है। मेरे सराउंडिंग अगर क्लीन है तो मैं बहुत हैप्पी मूड में होती हूँ, अदरवाइज मेरा बहुत ही ख़तरनाक मूड हो जाता है। देखिए मैंने ये भी लगाए हुए थे, कितने प्यारे लगते हैं ना, मुझे लाइट्स बहुत पसंद हैं। ये मेरे पास इस तरह की के तीन पीस थे, मतलब ये तीन तरह की थी मेरे पास, लेकिन वो दो बिल्कुल टूट गई और ये एक ही बेचारी सलामत है। क्योंकि मैंने शिफ्टिंग की थी ना, और जिन लोगों ने माशाल्लाह से हमारा सामान उठाया था शिफ्ट करने वालों ने, वो इतने उन्होंने खूबसूरत तरीके से उठाया था कि दिल कर रहा था कि मैं खुद ही उठा लूँ। इतना सामान उन्होंने हमारा तोड़ा था। तो मैंने ये देखिए, ये जो बॉल्स लगाए हैं मुझे बहुत अच्छी लगती हैं ये लाइटिंग्स वगैरह। चलिए जी, ये आ गया हमारा ब्रेड। अंडा मैंने फेंट दिया हुआ है, देखें फेंट दिया हुआ है। आई गॉट द राइट वर्ड। चलिए अब हम इसके ऊपर लगाएंगे घी और फिर इसको करेंगे हम रोस्ट, नहीं करेंगे टोस्ट करेंगे। ओके चलिए यहां से। बस ऑमलेट भी ऑलमोस्ट रेडी है और चाय भी ऑलमोस्ट तैयार है। हमारा मज़ेदार मोस्ट फेवरेट ऑमलेट तैयार है जी। हमारा नाश्ता तैयार है और अब हम करेंगे नाश्ता। और आप लोगों को बताती हूँ, आज मैं कुछ स्पेशल बनाऊँगी चाय के टाइम, क्योंकि लंच मेरा तैयार है। तो लंच में आज मुझे कुछ नहीं रेडी करना, डिनर रेडी करना है और साथ में रेडी करूँगी कुछ फ्रोज़न आइटम्स उसके लिए चाय के टाइम के लिए। तो बने रहिएगा, मैं नाश्ता कर लूँ फिर उसके बाद कंटिन्यू करते अपने ब्लॉग को। मैं बना रही हूँ आज चाय के लिए आलू के कटलेट्स बनाऊँगी और इसकी रेसिपी शेयर करूँगी आपके साथ। बॉईल करने के लिए रख दिए मैंने आलू। चलिए जी देखते हैं ये हो गए हैं। नाइफ से चेक कर लेंगे कि आलू अच्छे से हो जाएँ। यस ये बॉयल हो चुके हैं अच्छे से। मैं इसका चूल्हा बंद कर दूँगी और इसको थोड़ी देर ना ठंडा होने के लिए रखते हैं, नहीं तो अगर गलती से भी इसको छीलने की कोशिश की इस पॉइंट पे तो आपके हाथ छिल जाएंगे, पर आलू जो है ना वो नहीं छिलेगा। जी दोपहर के लिए तो मैंने आप लोगों को बताया था कि सालन बना हुआ है, तो सालन के साथ साथ मैं बना रही हूँ। सालन था चने की दाल और चिकन, तो वो पड़ा हुआ था कल का। अभी दोपहर में हम लोग ये वाला खाएंगे, तो मैं बनाऊंगी राइस और इसको करूंगी सिर्फ बॉईल, कोई तड़का नहीं कुछ नहीं, सिर्फ बॉईल करूंगी राइस। चलेंगे शुरू करते हैं अपन लंच। मैं लूँगी तकरीबन एक गिलास चावल, 1.5 गिलास राइस। इनको अच्छे से धोकर सोक कर लूँगी सिर्फ 10 से 15 मिनट्स, उसके बाद हम इनको कर लेंगे बॉयल। बच्चों के लिए साथ में बनाऊँगी दो पराठे। चलिए जी हम लोग सालन भी जल्दी से ओवन में गर्म कर लें। चलें जी मेरा लंच रेडी हो गया है, अब हम लोग करेंगे लंच। अभी हो गया है लंच टाइम, उसके बाद हम लोग बनाएंगे
मैंने पील ऑफ तो कर दिए थे आलू को, पील ऑफ कर दिया, उसको जब मसाला रेडी करूंगी तो मैं आप लोगों को दिखाऊंगी, वो भी शेयर करूंगी और साथ साथ ही आज की ब्यूटी टिप भी हम लोग शेयर करेंगे एंड ऑफ द वीडियो, कुछ गपशप भी करेंगे और वीडियो भी शेयर आपके साथ में, कुछ पर्सनल जो चीज़ें मैं यूज़ करती हूँ वो मैं आपके साथ शेयर करूंगी कि ब्यूटी टिप से रिलेटेड, ठीक है जी। और मैं खाना खा कर आती हूँ, बहुत ज़्यादा भूख लगी हुई है आज मुझे, बहुत ही ज़्यादा भूख लगी हुई है आज का दिन, मैं बहुत लो फील कर रही हूँ, आई डोंट नो द रीज़न, मुझे नहीं पता क्यों लो फील कर रही हूँ, बट मैं बहुत लो फील कर रही हूँ। मैं दरमियान में जाके मैंने नैप भी लिया, शायद उसकी वजह से मैं बहुत फ्रेश फील नहीं कर रही हूँ, क्योंकि मैं नॉर्मली नैप नहीं लेती आफ्टरनून में, मुझे आदत नहीं है, एक दफ़ा जो सुबह उठ गए बस उठ गए, फिर रात को एक ही बार बिस्तर पे जाती हूँ, लेकिन नहीं आज मैंने नैप ले लिया था, टायर्ड फील कर रही थी। तो चलिए जी लंच करके मैं वापस आती हूँ, फिर बनाते हैं हम लोग अपना चटपटा टी टाइम का सामान और फिर मैं आपको एंड ऑफ द वीडियो दिखाऊंगी आज की ब्यूटी टिप्स, कौन आज की ब्यूटी टिप के बारे में बताऊंगी, ठीक है। चल ये रही थी मेरी प्लेट, हमारा लंच स्टार्ट होता है। चलें जी हम लोग बनाना स्टार्ट करते हैं अपने आलू की टिक्कियों को। इसके लिए मैंने ये 5 आलू लिए। इसमें जो मसाले हम लोग यूज़ करेंगे वो ये हैं ड्राई सूखी हुई रेड चिली, जिसके चिली फ्लेक्स बन जाएंगे, और साथ में ये हो गए हमारे मसाले, ड्राई मसाले ये हो गए हमारे पास। इनको मैं एक साथ जो है वो इसमें पाउडर कर लूँगी और फिर हम लोग इसको ऐड करेंगे अपने वो जो हम लोगों ने पोटैटोस बॉईल किए थे, आलू बॉईल किए थे, उनके अंदर हम इसको ऐड कर देंगे। इसको हम आलू को हम अच्छे से मैश कर लेंगे। अब मैं इसमें ऐड कर दूंगी वो जो हम लोगों ने सारे साबुत मसाले कूटे थे इसके अंदर। या अल्लाह नोज़ी में चले गया। इसको आराम से कर लें। इसमें हम ये सब कुछ डाल देंगे। ये थोड़ा सा ज़्यादा हो गया, लेकिन आप जो है थोड़ा कम ही यूज़ करिए। मैं ज़्यादा थोड़ा कम यूज़ कर रही हूँ क्योंकि मुझे ज़्यादा स्पाइसी नहीं बनाना, क्योंकि बच्चों ने भी खाना होगा तो मैं ज़्यादा स्पाइसी नहीं कर रही। अब हम इनको अच्छे से मैश कर देंगे, इसको सारे मटेरियल को एक साथ अच्छे से मिक्स कर लेंगे। हम लोग इसमें डालेंगे नमक जितना आपको चाहिए हसबे जायका। चलिए अब हम इस मटेरियल को अच्छे से एक साथ मिक्स कर लेते हैं। अच्छा ये देखिए जी, मैंने इसमें चॉप कोरिएंडर डाल दिया है फ्रेश, और ये थोड़े से मैंने चंक्स कर दिए थे ऑनियन के, वो भी ऐड कर दिए। चलें जी हम इसको अच्छे से मिक्स कर लेते हैं सब मटेरियल को आपस में। जिस भी डिश में हम लोगों ने अपने ये जिस भी डिश में हम लोगों ने इसको फ्रीज करना है टिक्किया बना के, जिसमें भी रखना है फ्रीज करने के लिए, उसके उसको हम अच्छे से ग्रीस कर लेंगे ऑयल के साथ। अगर आपको फील हो कि आपका जो ये मटेरियल रेडी हुआ है वो ज़्यादा ही सॉफ्ट हो गया है, तो आप उसमें कॉर्नफ्लोर थोड़ा सा ऐड कर सकते हैं ताकि उसका जो टेक्सचर है वो अच्छे से हो जाए। और आप इसमें एग का यूज़ भी कर सकते हैं, आप एग भी डाल सकते हैं, तो मैंने फ़िलहाल एग नहीं डाला। ये अब मैं इनको रख दूँगी फ्रीज़र में, और ये वाला मटेरियल जो भी बाकी बचा है वो मैं बना लूँगी अभी। ये रख देते हैं हम फ्रीज़र में। YouTube की फैमिली ये देखें, ये वो स्लाइसर है जिसके बारे में मैं आपसे ना कल जिक्र कर रही थी, ये मुझसे यहाँ से टूट गया था, मेरा ना हाथ फंसा इसके अंदर और बहुत बुरी चोट लग गई थी मुझे, तो ये भी टूट गया था। खैर मैंने इसको टेप कर दिया है, लेकिन ये वो ख़तरनाक स्लाइसर है, लेकिन ये इतना ज़बरदस्त स्लाइसर है, ये होम सेंटर से लिया है मैंने, और ये बहुत ही ज़बरदस्त स्लाइसर है। इसमें बहुत सारे
आपके पास मिल जाते हैं, जितने स्लाइस आपने जितने साइज के करने हैं ना। ये मेरे ख्याल मेरे हस्बैंड यूज़ करके देते हैं मुझे, अक्सर ये रमज़ान में यूज़ होता है क्योंकि पकौड़ों के लिए मैं इसको इस्तेमाल नहीं करती। जितनी बार भी मैंने इसको इस्तेमाल किया मेरा हाथ ही कट जाता है, तो इसलिए ये है वो ख़तरनाक। और फ्रीज़र में क्यों रखा हुआ इसकी स्टोरी मैं आपको बताती हूँ। तो इसका रीज़न ये है कि मैं जिस पुराने घर में रहती थी तो वहाँ पे शिफ्टिंग हो रही थी। आप लोग को इस चीज़ से बहुत ज़्यादा रिलेट करते होंगे, जब हम लोग फ्लैट में रहते हैं तो आपके साथ वाले नेबर्स जो हैं अगर वो शिफ्ट कर रहे हैं, अगर उनके घर पे कॉकरोच हैं तो वो आपके घर पे भी आ जाते हैं। अगर तो आपका पेस्ट कंट्रोल जो कराया है आपने वो उसको टाइम हो गया हो, या आपने पेस्ट कंट्रोल ना करवाया हो, तो जो साथ वाले होते हैं उनके वो जो कॉकरोच होते हैं ना वो हमारे घर में आ गए, उन्होंने शिफ्टिंग की, तो उनके घर में बे इंतहा कॉकरोच थे। पहले तो मुझे पता नहीं था, जाहिर सी बात है वो नेबर से, तो मुझे हम लोग उनके घर आना जाना तो ऑफकोर्स नहीं था। लेकिन ये था कि जब उन्होंने शिफ्ट किया, उनका सामान बाहर निकला, तो आप यकीन मानिए वो उतना ज़्यादा उसमें कॉकरोचेस, इतने सारे उसमें कॉकरोचेस कि वो मुझे देख के थोड़ा सा वो लगा कि ये कॉकरोचेस कहीं मेरे घर पर ना आ जाए। और वैसे ही हुआ, हमारे घर पे हो गए कॉकरोचेस बहुत ज़्यादा, और बेटी मेरी उस टाइम बिल्कुल छोटी सी थी, कॉकरोच हो गए। और कॉकरोच से और इन चीज़ों से तो मेरी बहुत ज़्यादा जान जाती है, बहुत गंदा लगता है। एक कॉकरोच भी मुझसे मतलब बर्दाश्त नहीं होता, बहुत गंदा लगता है। वो एकदम इतने सारे हो गए मेरे कैबिनेट में, मेरे जो किचन के नीचे वाले कैबिनेट में थे उसमें हो गया। वो मुझे पता नहीं चला क्योंकि वो एवरीडे वो मैं ओपन नहीं करती थी, क्योंकि उसमें मैंने कुछ रखा नहीं हुआ था, मेरे हस्बैंड का कुछ स्टफ था उसके अंदर, तो उसके ऊपर जो शेल्फ था उसके अंदर ये पड़ा हुआ था स्लाइस है, मेरा पुराना वाला स्लाइस है। खैर मैंने पेस्ट कंट्रोल करवाया, पेस्ट कंट्रोल करवाने के बाद मुझे सारी चीज़ें वॉश करनी थी, तो मैं थोड़ी सी सफाई के मामले में बहुत ज़्यादा, वो कहते हैं ना मुझे कीड़ा है सफाई का बहुत ज़्यादा, तो मैंने क्या किया उस पूरे स्लाइसर को ओपन कर दिया। जब मैंने वो ओपन किया ना तो मुझे नज़र आया कि उसमें तो बहुत सारे कॉकरोचेस हैं, तो मेरा दिल ना वो बिल्कुल वो अजीब से ही हो गया, बहुत ही गंदा फील हुआ मुझे, बहुत ही ग्रहित फील हुआ इसको देखकर। उसके बाद वो मुझसे जुड़ा तो नहीं बिल्कुल भी, क्योंकि वो मैंने एक दफ़ा ओपन कर दिया था, फिर मैंने उसको वॉश तो किया था, पर मेरा वो कहते हैं ना वो आपका मेरी रूह सेटिस्फाई नहीं हो रही थी उसको देख के, कि मैं दोबारा से इसको रीवॉश करके फिर रीयूज़ करूँगी, क्योंकि वो जो मतलब मुझे बहुत क्रिंज फील हुआ उसको ना करने के बाद। फिर मैंने उसको फेंक दिया था, और उसके बाद जब मैंने नया स्लाइसर लिया तो मैंने उस स्लाइसर को अपने फ्रीज़र में रखा हुआ है कि अगर इन केस फ्यूचर में अगर कॉकरोच आ भी जाएं तो एटलीस्ट मेरे स्लाइसर के साथ वो सिचुएशन ना हो जो पहले हुई थी। क्योंकि मुझे ना मेरे जहन में चीज़ें बैठ जाती हैं और वो मुझे इतनी ट्रिगर करती हैं कि फिर मुझे ना उस चीज़ से ग्रहित होना शुरू हो जाती है, फिर जब तक वो चीज़ ख़त्म नहीं होती मैं उसको वैनिश नहीं कर देती, ख़त्म नहीं कर देती, हटा नहीं देती, तब तक मेरे जहन को सुकून नहीं आता। तो ये थी हमारे स्लाइसर की स्टोरी। अब हम लोग फ्राई करते हैं अपनी टिक्कियाँ, और बच्चों के लिए बनाऊंगी मैं उसके साथ सैंडविचेस, उन्हीं को सैंडविचेस में रख दूंगी, वो भी मैं आप लोगों को दिखाती हूँ साथ साथ। अब बनाना स्टार्ट करते हैं और साथ में रखते हैं चाय, क्योंकि बच्चे भी वेट कर रहे हैं और मैं भी इंतज़ार नहीं कर पा रही हूँ। बहुत डिलीशियस लग रहा है, चलें ट्राई करते हैं, और आप लोग भी ज़रूर ट्राई करिएगा, मुझे बताइएगा, ठीक है। और रूम में जब जाएंगे इंशाल्लाह ताला जब चाय पियेंगे तो उसके साथ मैं आप लोगों को आज की ब्यूटी टिप भी बताऊँगी, बने रहिएगा मेरे साथ। इसको फ्राई करने के लिए हम लोगों को एक अंडा चाहिए होगा, जिसमें हम इसको डिप करके इसको फ्राई करेंगे। इसको तोड़ लेते हैं हम अपने बाउल में। चलिए जी, ये एक तो हमारा हो गया रेडी। अब हम निकालेंगे ब्रेड क्रम्स। ब्रेड क्रम्स ले लिया मैंने और इसको मैंने प्लेस कर दिया प्लेट में। देखिए चलें जी शुरू करते हैं। अच्छा, आप लोगों ने नेस्टो के ऑनलाइन शॉपिंग के बारे में तो सुना ही होगा, जो लोग इधर रहते हैं शारजा दुबई अबू धाबी का मुझे पता नहीं है, शारजा दुबई में जो रहते हैं, आप लोगों ने कभी ऑर्डर किया नेस्टो से ऑनलाइन? मैं जब से नेस्टो का ऑनलाइन सर्विस स्टार्ट हुई है तो मैं ना उधर से ही ऑर्डर करती हूँ। और ये देखिए, ये मैंने ना 3 लीटर ऑयल ट्राई किया था मिस्टर शेफ का,
तो ये मैंने फर्स्ट टाइम ट्राई किया है क्योंकि ऑफर में लगा था तो 3 लीटर का था और आई थिंक 25 का मुझे मिला और इतना जबरदस्त है, इसका टेस्ट भी ठीक है। इसमें वो एक कभी कभी ऐसा होता है ना कि जब हम कोई ऑयल नया ट्राई करते हैं उसमें एक स्मेल सी होती है और उसका एक थोड़ा सा टेस्ट भी डिफरेंट होता है, इसका बिल्कुल ठीक है। नॉर्मली मैं नूर का इस्तेमाल करती थी तो जब मैंने इसकी ऑफर देखी तो मैंने बोला कि चलो ये ट्राई करना चाहिए, तो मैंने ये ट्राई किया। और वैसे नेस्टो की जो ऑनलाइन शॉपिंग का एक्सपीरियंस है मेरा हमेशा से बहुत अच्छा रहा है। मैंने 3-4 बार नेस्टो से, मतलब जब से शुरू हुआ है, मैं काफ़ी बार 3-4 बार नहीं काफ़ी बार मैंने उनसे मंगवा लिया हुआ सामान, तो काफ़ी अच्छी सर्विस है और फॉलो अप भी करते हैं वो, और बिल्कुल जो आप जिस अच्छी साफ सुथरी चीज़ें भेजते हैं, बहुत अच्छा एक्सपीरियंस मेरा रहा। आप लोग भी ज़रूर ट्राई कीजिएगा क्योंकि मुझे ना ये ग्रॉसरी पे जाके लंबी लंबी लाइनों में लगने से भी मेरी जान जाती है, मैं बहुत कम, मुझे रश में जाना ज़्यादा पसंद नहीं है ना, तो इसलिए मैं घर पे ऑनलाइन ही ऑर्डर कर देती हूँ। मैं बिल्कुल उन औरतों में से नहीं हूँ कि एक एक टमाटर मैं देख देख के मैं दूसरे पे भी भरोसा कर जाती हूँ। तो वो मेक श्योर करते हैं इस चीज़ के लिए कि अगर आपका कोई चीज़, आपकी कोई जो फ्रेश आइटम जैसे चिकन मटन या सब्जियों में से कुछ या फ्रूट्स में से कुछ अच्छा नहीं निकलता तो ना वो आपको रिप्लेस भी कर देते हैं। फिलहाल तो मेरे साथ एक्सपीरियंस बहुत अच्छा रहा, कभी भी ऐसा नहीं हुआ, तो आप लोग भी ज़रूर ट्राई कीजिएगा। चलें जी, ऑयल यहाँ पे गर्म हो गया, अब हम लोग टिक्कियाँ डालना शुरू करते हैं। रोको, अभी मैं रख दूंगी ब्रेड को सैंडविचेस के लिए और मुझे थोड़ा सा ब्राउन चाहिए। तब तक आप ये देखिए हमारी टिक्कियाँ बिल्कुल तैयार है, माशाल्लाह ये देखिए कितनी अच्छी लग रही है और ये बिल्कुल क्रिस्पी भी बनी है। ये हम लोग थोड़ा सा मेयोनीज इसके ऊपर लगा लेंगे। ये थोड़ा सा जो एग बच गया था मैंने उसको इस तरीके से उसका ऑमलेट बना दिया, अब इसके ऊपर प्लेस कर देंगे और अब रखेंगे हम इसके ऊपर अपनी ये टिक्की और इसको थोड़ा सा इस तरह हम मैश कर लेंगे। जी मैं अपनी चाय ले आई हूँ और जैसे कि मैंने आपसे कहा था कि मैं आए जब चाय पीने जाऊँगी तो आप लोगों के साथ शेयर करूँगी आज की हमारी ब्यूटी टिप। तो आज मैं आप लोगों को बताने वाली हूँ मोरक्कन नेचुरल क्ले के बारे में। इसके बारे में ये बिल्कुल उसी तरीके से है जैसे पाकिस्तान में हमारी मुल्तानी मिट्टी होती है, जिस तरीके से वो आ जाती है बड़े बड़े पीसेस में होती है, ये भी कुछ इसी तरीके की होती है, अंदर से बिल्कुल ऐसी होती है। मैं आपको इसको ओपन करके भी दिखा देती हूँ। वैसे मैं इसको पाउडर बना के रखना होता है, मैंने इसको पाउडर बना के इसमें अपने सेव करके रखा है, जब भी यूज़ करना होता है तो मैं बस इसमें से निकालती हूँ, इसके अंदर रोज़ वाटर ऐड करती हूँ और इसको अप्लाई कर देती हूँ। ये एज ए मास्क यूज़ किया जाता है, ये बिल्कुल भी हार्मफुल नहीं है, आपकी स्किन को बहुत ग्लो कर देगी और साथ में आपकी जो ओपन पोर्स होते हैं और जो आपकी जो स्किन के अंदर जो डर्ट होती है, डेली बेसिस में जब हम लोग जाते हैं तो हमारी स्किन में बहुत डर्ट आ जाती है, हम स्किन के ऊपर बहुत ज़्यादा ऑयल आ जाता है, उसके लिए ये बिल्कुल परफेक्ट रेमेडी है, बिल्कुल परफेक्ट चीज़ है। तो मैं आपको इसको खोल के भी दिखा देती हूँ कि अंदर से किस तरीके से होता है। आपने इसको अच्छे से पाउडर बना लेना है और मेक श्योर कि जिस भी मिक्सी का आप यूज़ कर रहे हैं वो आप सिर्फ इन्हीं चीज़ों के लिए रखें, उसमें फिर आप ये मसाले या लहसुन अदरक वगैरह जो है वो ना आप पीसें क्योंकि फिर उसका जो रिएक्शन है वो कहीं आपके फेस पे ना आ जाए। ये देखें जी, ये इस तरीके से होता है, इस तरीके के पीसेस बने होते हैं, इस तरीके के ये पीसेस बने होते हैं। अगर आप इनको पीसना, मतलब पाउडर बना के नहीं रखना चाहते तो थोड़ा पानी में, रोज़ वाटर में इसको डिप करके भी रख सकते हैं, तो थोड़ी देर के बाद ये खुद ही सॉफ्ट हो जाएगा, आप इसको अच्छे से चम्मच के साथ जो है मैश कर सकते हैं, पेस्ट बना सकते हैं। तो अगर आपने पाउडर नहीं बनाना तो ये बहुत ही ज़बरदस्त है, ये अपने फेस के लिए यूज़ कर सकते हैं, अपने बॉडी के लिए यूज़ कर सकते हैं और स्पेशली अगर आप वर्किंग लेडी हैं, आप काम के लिए जाती हैं तो दोपहर में जब हम लोग इन एंड आउट होते हैं तो कितनी डस्ट की वजह से और ह्यूमिडिटी की वजह से स्किन एकदम ऑयली हो जाती है, बहुत ख़राब हो जाती है, तो ये रेमेडी उनके लिए बिल्कुल परफेक्ट है। इसका ये जब आप लोग फेस पे लगाएंगे, इसमें आप रोज़ वाटर ऐड कीजिएगा, ये जब आप फेस पे लगाएंगे तो आपको जब इसको आप रिमूव करेंगे तो आपको फील होगा कि आपकी स्किन बहुत सॉफ्ट हो गई है
और बिल्कुल क्लीन हो गई है और बहुत लाइटर फील होगा। इसके कोई ये कोई हार्मफुल नहीं है, इसका कोई हार्म नहीं है, ये कोई भी, मेरी स्किन बहुत सेंसिटिव है, मैं भी यूज़ करती हूँ और मैं इसको यूज़ करते हुए मुझे बहुत साल हो गए। मैंने आपको उसे भी बताया था कि मैं आर्टिफिशियल चीज़ों का इस्तेमाल कम करती हूँ और नेचुरल प्रोडक्ट्स ज़्यादा यूज़ करती हूँ, तो ये बिल्कुल नेचुरल है। आपको ये किसी भी शॉप से शारजा में मिल जाएगा, इवन कि आपको दुबई में भी मिल जाएगा। ये जो कॉस्मेटिक्स की शॉप्स होती हैं वहाँ से आपको ये ईजिली मिल जाएगा। आप उनको बस बताइए कि आपको ये चाहिए तो वो आपको खुद ही प्रोवाइड कर देंगे। और ये जो हमने आज ये बनाए थे, टिक्कियाँ बनाई थी, इनकी रेसिपी ज़रूर आप लोग शेयर कीजिएगा और आप लोगों को कैसी लगी मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। कोई भी चीज़ रिलेटेड है आपकी स्किन से रहते लेकर आपके बालों की, आपके नेल्स की, आपके फीट्स की, कुछ भी, अगर आपको कोई भी पूछना है, किसी भी टिप की ज़रूरत है, कोई भी आपने मुझसे कहते हैं कि क्या याल्ला, एक तो मेरा ये ब्लूपर ज़रूर हो जाता है, मैं अपनी ही बात भूल जाती हूँ। कोई भी अगर आपको मेरे से इंक्वायरी करनी है किसी भी चीज़ से रिलेटेड तो आप मुझसे कर सकते हैं, कमेंट बॉक्स में ज़रूर पूछिएगा, मैं आपको ज़रूर हेल्प करूँगी अगर मुझे जो नॉलेज होगी, और मैं आपके साथ वही चीज़ें शेयर करूँगी जो मैं खुद के ऊपर अप्लाई करती हूँ, जिसका कोई रिएक्शन नहीं होता, जो बिल्कुल 100% प्योर होंगी और वो होंगी, कंफर्टेबल भी होंगी और बिल्कुल हार्मलेस होंगी, ताकि आपकी स्किन के ऊपर कोई भी रिएक्शन जो है ना किसी भी चीज़ का ना आए, बल्कि आप अच्छे से ग्रो करें और ग्लो करें। ठीक है जी, चले जी, इंशाल्लाह ताला मिलते रहेंगे अपने नेक्स्ट व्लॉग्स में। मेरे व्लॉग को ज़रूर लाइक कीजिएगा, मेरे चैनल को ज़रूर लाइक और सब्सक्राइब कीजिएगा, मुझे आगे बढ़ने में मेरी हेल्प कीजिए, और उम्मीद करूँगी कि आप लोगों को मेरी ये डेली व्लॉग्स अच्छे लगते होंगे। कोई भी इंक्वायरी है, कुछ भी सजेशंस हैं, प्लीज़ लेट मी नो इन द कमेंट बॉक्स, मैं वेट करूँगी आप लोगों का। और इसी तरीके से मुझे अपनी दुआओं में शामिल रखें। अल्लाह पाक हम सबको हर किस्म के हासिदीन और हर किस्म के शातिर लोगों से महफूज रखें, अपने हिफ्ज़ मान में रखें। मुझे भी अपनी दुआओं में और मेरे बच्चों को भी अपनी दुआओं में शामिल रखिएगा। मिलेंगे अपने नेक्स्ट व्लॉग में, आज तक के लिए अल्लाह हाफिज, बाय बाय बाय, टाटा, गुड बाय, गया।